कॉपीराइट है इस जैकेट पे। ये किस पिछले जन्म में क्या मुर्गी थी ये हमें तेरी झलक शर्फ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका आज के नए व्लॉग में तहे दिल से मैं राज और ये सिमरन झाड़ू वाली, ये झाड़ू वाले सिमरन हम दोनों स्वागत करते हैं। आशा और उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह से अपने और अपने पूरे परिवार का ध्यान रख पा रहे होंगे। मैं देखो इस समय मैं बिस्तर के अंदर हूँ, वैसे मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही निकलने की, बस मैं घुसा हुआ हूँ अब देखो तो बिस्तर में आराम से बैठा हुआ हूँ और ये मेहनत कर रही है। ये अपना भिड़ी हुई है सफाई वफाई वगैरह सब कुछ करने के अंदर। आगे 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 भैया भाई जल्दी से बिस्तर में से उठो, कपड़े वपड़े फैला करके आओ, तभी जाना है मुझे, कपड़े वपड़े भी फैला के आने हैं, फिर बैठ के नाश्ता वास्ता करूँगा, अपने वर्किंग में लगूंगा। फिर पिछले जन्म में क्या मुर्गी थी ये हमेशा ऐसे गर्दन हिलाते रहते, किसी ने काट के खा गया कोई, वो फिर उसका दोबारा जन्म लिया, पर मुर्गी वाली वो हैबिट चली गई है। फिर हिलाना गर्दन, देखो ये मुर्गी थी पिछले जन्म में, और एक दांत टूट चुका है खुडली का, एक दांत और टूटने वाला है, जल्दी टूट जाएगा, उसके बाद ये कुछ नहीं खा पाएगी और इसकी हिस्से की सारी चीजें मैं खाऊंगा मैं, और ये सिर्फ नाना करती रह जाएंगी, लड्डू मैं खाऊंगा, बर्फी मैं खाऊंगा, मिठाई मैं खाऊंगा, सब मैं खाऊंगा। डायलॉग अच्छा है, पेस्ट्री भी मैं ही लेके आता हूँ, दूध भी मैं ही लेके आता हूँ, बिस्किट भी मैं ही लेके आता हूँ, तो मैं सब लाके खुद खाऊंगा, नहीं दूंगा, वाह वाह मजे आ गए। अभी चलो मैं कुछ दिखाता हूँ। मैं देखो वैसे तो मैं यहाँ पे बैठ करके वर्किंग कर रहा हूँ बिस्तर के अंदर घुस घुसा करके आराम से, पर मेरी श्रीमती जी है काफी मतलब है ना, वो भी मेहनत करती, देखता हूँ। मोटे मोटे क्या बना रहे हैं, क्या बना रही हूँ यार, ये तो अत्याचार करती लड़की, थोड़ा सा तारीफ क्या करती है। अरे पुलाव सलाव बनाओ, बैंगन भतूड़ा बनाओ कुछ, दाल चावल कोई टेंशन नहीं। अच्छा घर को देख लो, खिलाओ 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 बैंगन भतूड़ा, ऐसे मुक्का मारूंगा नीचे से, बस उड़ जाओगे रॉकेट बन करके। मैं देखो जो प्रेम से मिल जाए ना, वो ठंड में खा लो, क्योंकि ठंड लग गई ना यहाँ पे। देखो जैसे अपने में तो बिस्तर में घुस से काम करा हुआ, फोन में तो कोई टेंशन नहीं है, पर इनको तो ठंड लगती है, तो ऐसे देखिए बैंगन भतूड़ा अभी तो खिलाती हूँ, बंगन बंदे को बम्बई डाल के उड़ा दूंगी बिल्कुल ही पूरा पूरा है ना। अब उन्नू का ब्रश लिया और दुकान में पूछता हूँ, ब्रश आया नहीं है 3 दिन से, उस ब्रश के चक्कर में मैं रोज सुन रहा हूँ रोज, और वो भाई साहब लाते नहीं है और ये मेरे को सुनाती रहती है। चलो दुकान पे आप पूछ कर, ब्रश ले आए क्या? 4 बजे ले आओगे, चलो माते ब्रश 4 बजे आएगा, 4 बजे आ जाएगा ब्रश, ठीक है। तो चलिए मैं अपने वर्किंग में लगता हूँ। ये मेरा खाना है जो मैं लेके चल दिया खाने के लिए, अपने बैठेंगे बिस्तर के अंदर और बिस्तर में बैठ के मजे उड़ाएंगे और मजे से खाएंगे। ठंड में यही फायदा है, बिस्तर में घुस जाओ कुछ खा लो। ये किस में लगे बैठे हो खाने के लिए आप? तो ये देखो जिसके मुंह में दांत नहीं है, जिसके पेट में हाथ नहीं है, देखो मुंह देखा तेरी के। और एक बार ऐसा ना 2-3 बंदे बेहोश हो जाए, देख लो वैसे डरा दिया होगा कहीं को इसने, ते नानी बैठ गई खाना लेकर के, और ये कंजूसी बर्तन धोने के कारण ये बर्तन धोने के कढ़ाई में लेके बैठी है। ओ भाई मेरे को थाली में खाना मिल चुका है, तो चलिए तो आपको तो दे रही हूं ना, उससे क्या मतलब, तो कढ़ाई में क्यों खा रही हो आप? तो भाई चल रहे खाना अपना है, खाते हैं, दाल चावल से भी बहुत अच्छा लगता है, तो खाना वाना खाते मिलते हैं, आप भी सब खाना वाना खाइए, फिर मिलते हैं। महाराज इसमें ये नहीं आएगा जो आप कोशिश कर रहे हो, अगर ये आटा गिर गया जमीन पे तो अभी आप झाड़ू पोछा लगाते हुए नजर आओगे, फिर मेरे को मत बोलना कि दिन भर अपना काम भी करो, आपका सामान मिला के दो और फिर झाड़ू पोछा भी करो। सामान क्या पड़ोसी लेके आएगा, मेरे पापा लेके आएंगे। यस तो कलाकारी कर रहे हो, देखो अगर जी आटा नीचे गिरा, कुछ नहीं गिरेगा, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, 10,000 सालों का एक्सपीरियंस है मुझे, दो मेरे को। ओके ओके ये लो, झाड़ू आप फिर भी लगाओगे, देखो अब उसमें मत झाड़ो जरा ढक्कन, अगर ये ढक्कन नहीं लगा हर चीज में आपको तो कर भी रहा हूँ, ये नहीं लगा वो नहीं लगा, क्यों कर रहे हैं जब मैं मना कर रही हूँ, तो क्यों कलाकारी कर रहे हो भाई साहब? कोई अपने से पंगा नहीं ले सकता है, क्या बात करती है, बच गए
बच गए ये साफ कर। तो आज की गुड मॉर्निंग हम गुन्नू के रोने के साथ कर रहे हैं। गुन्नू अभी थोड़ी देर पहले पिटी है। यूट्यूब पे कॉपीराइट, इधर उधर हर जगह कॉपीराइट, कपड़ों में भी कॉपीराइट। आज जल्दी उठो, बिस्तर सही करो ना। क्या बोल रही हो? खाना दे दो। अरे खाना देने के लिए पूछ रही हो? खुद ने तो पूरा खाना खा लिया, मेरी थाली वैसी। दुनिया देखो, पहले क्या मैं जो ऑफिस जाता था तो मेरी कितनी वैल्यू थी भाई साहब, मुझको टाइम पे खाना मिलता था, गरम गरम निकल के चीजें मिलती थी। और आज क्या हो गया है, माँ बेटी दोनों आराम से खा चुकी हैं, मैं थोड़ा पोटी करने के आ गया, मेरी थाली ऐसे पड़ी है, साथ में खाने वाला कोई नहीं है। ये हालत होता है। नहीं मेरे को देखो, है दर्द मेरे को हो रहा, तो आप मेरे को देखोगे कि नहीं होगे भाई? ये हालत होती है वर्क फ्रॉम होम होने के बाद में, कि पति की इज्जत दो पैसे के ढेले के बराबर की इज्जत नहीं होती है। क्यों? तो पतियों की वैसे कौन सी इज्जत होती है, ये बताना जरा। क्या बोला? पतियों की वैसे कौन सी इज्जत होती है, इतिहास उठा के देख लो। पतियों की ना बहुत इज्जत होती है। समझा ना बात? ज्यादा अभी मेरा टोपा उड़ने वाला था, अभी मेरे रोक लिया, अभी मेरी बात सुनते ही। समझा ना बात? दो चार लोग ना दीवार चाटते हुए दिखाई दे रहे थे मुझे, अब बारी आपकी है। ऐसी मुंह दिखाओ, ऐसी चाटोगे? देखो भाई साहब, ऐसा है, पति कितना भी कुछ भी कर दे है, उनकी ना जीरो बराबरी वैल्यू रहती है, चाहे वो कुछ भी करके आए। ठीक है, ये इतिहास का सर्व यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो खाना खा लेता हूँ मैं, अब तो अकेले खाऊंगा भाई, क्या करूँ। चलिए आप सब भी मेरे साथ मिलकर खाना खाइए, आप वहाँ पे खाइए, हम यहाँ खाते हैं। अपने देखो, मर्दों का दर्द मर्द ही समझ सकते हैं, औरतें तो क्या समझेंगी। ठीक है, मैं खाओ के मिलता हूँ, नहीं तो पता चला ये भी नहीं मिला बाद में खाने को, तो फिर उसमें भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कभी कभी रहने की लड़की इनकी पिघल जाती है, पिघल नहीं जाती है, पगला जाती है। अभी देखो क्रैक हो रही है जैसे। खैर कोई नहीं, मैं अपना चलो डिनर कर लेता हूँ। मतलब कहना पापा प्लीज दे दो ना। वैसे मांग क्या रही है आपसे? पैसे मांग रही, बोलो मुझे पैसे दो। पैसे करेगी क्या ये? दे दो गुल्लक। पेट भरा पैसे से? पैसे दो। पोटी करना है तो पैसा चाहिए, गुल्लक से डालू मारा नहीं। पैसे दो लगता है। इतनी सड़ेली बदबू, भाई मैं पोते करने जाता हूँ तो मैं सुनता हूँ कितने लड़की के मुंह से आई थी अभी। मेरे फोन फोन तोड़ देंगे भाई साहब मेरे। बैठो। कौन हो माता? मैं नहीं जानता आपको। मतलब लड़की है, पैसे दे दो, कैसे मतलब मार रही है। एक काम करो, जाओ मेरा एक मेरा सोक्स धो के आओ, फिर पैसे दूंगा। जाओ अब लो, चल जाओ, मेरा सोक्स धो, सोक्स देता हूँ, वो धोगे तो फिर पैसे मिलेंगे। जो सोक्स धोने गई है तो दोस्तों जाने की तैयारी कर ली है। जब तक आपको वीडियो देखने को मिलेगा, हम हो सके तो कहीं निकल चुके होंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। पैकिंग पूरी कंप्लीट कर दी, वो अभी सो रही हैं। रात के टाइम, रात का आप टाइम देखोगे तो आज हो रहा है 1:14। तो तैयारी पूरी कंप्लीट है, जल्द आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और आपको सच में बहुत मज़ा आने वाला है उसके अंदर। तो इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको जो मेहनत जो हम मिलकर कर रहे हैं आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बोल पे सेट करना, कमेंट जरूर करना दोस्तों की वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। तेरी झलक।